बहुत सारे लोगों का कहना होता, हमारे जिंदगी सब कुछ बुरा ही होता है। अगर वो कहीं पर जा रहे हैं और उसके आगे से बिल्ली पार हो जाते हैं, तब उनका मानना होता है कि आज उसके साथ कुछ बुरा होगा, और उसके साथ ऐसा होता भी है। पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हंसते खिलते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, और उसके साथ हमेशा अच्छा ही होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ये सब कुछ ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव की वजह से ही होता है। इस वीडियो में आपको आत्म सुझाव की शक्ति के बारे में पता चलने वाला है। हमारे दो मस्तिष्क, हमारे दो माइंड होते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मस्तिष्क, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क। चेतन मस्तिष्क से हम लोग सोचते हैं, कुछ सीखते हैं। अवचेतन मस्तिष्क से हम चीजों को ऐसे ही करते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाते हैं। तो यहां पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने जब पहली बार कार चलाना सीखा होगा तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, आपको बहुत ध्यान देना पड़ा होगा। लेकिन जब मेहनत करके आपने 4-5 बार चला लिया होगा, उसके बाद आपको ज्यादा ध्यान देने जरूरत नहीं पड़ी होगी, आपसे अपने आप कार चलाने आने लगा होगा। आपने पहले चेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल करके कार चलाना सीखा, उसके बाद ये आदत में बदल गया, यानी आपके अवचेतन मस्तिष्क में स्टोर हो गया और आप ऐसे ही कार चलाने लगे। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन क्या है? आत्म सुझाव के अंदर वे सारे सुझाव और उद्दीपन आते हैं जो हमारे पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। पांचों इंद्रियों पे पहले ही हमने एक वीडियो बनाया है, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। इसका सिंपल मतलब है खुद को दिया गया सुझाव। इससे हमारे चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क के बीच कनेक्शन बनता है। अवचेतन मस्तिष्क को आत्म सुझाव कैसे दें? आप अपने चेतन मस्तिष्क में जिन प्रबल विचारों को रहने की अनुमति देते हो, वो आत्म सुझाव की मदद से आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये होता है आप वही बन जाते हो जो आप अंदर ही अंदर अपने बारे में सोचते हो। अगर आप अपने अंदर नकारात्मक विचार रखते हो तो आपके साथ हमेशा बुरा होने के चांस बहुत बढ़ जाता है। आप अगर खुद को एक कमजोर, गरीब, दुखी इंसान मानते हो तो जाने अनजाने आप वैसा ही बन जाते हो। ठीक उसी तरह अगर आप अंदर अपने बारे में अच्छा सोचते हो, खुद को शक्तिशाली, अमीर मानते हो, तो आप वैसा ही बन जाओगे ना। अवचेतन मस्तिष्क एक बागीचे की तरह होता है। जिस तरह एक बगीचे की अगर सही देखभाल न किया जाए, बेहतर बीज न लगाया जाए, तो वहां अनुपयोगी पौधे अपने आप उग जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को सही सोच प्रोवाइड नहीं करते हो तो आपके अवचेतन मस्तिष्क में बुरे विचार अपने आप आ जाएंगे। भगवान ने इंसानों को अवचेतन मन को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति दिया है, पर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास अपने अंदर कैसे विचार जाने देते हो, कैसे विचार रखते हो, इसका पूरा अधिकार है। इसलिए हमेशा खुद को पॉजिटिव सोच दें, खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में कल्पना करें। लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो ये संभव नहीं है, मगर हमेशा आपके साथ बुरा ही होगा ये भी संभव नहीं है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिल्ली रास्ता काटने से लोगों के साथ बुरा होता है, ये भी आत्म सुझाव की वजह से ही होता है। आप बचपन से ही सुनते आए हो कि बिल्ली रास्ता काटने से हमारे साथ बुरा होता है। जैसे ही सड़क पर आपको बिल्ली दिखाई देते हैं, आपके चेतन मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क को यह संदेश देता है आपके साथ बुरा होने वाला है। आपका बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है और रिजल्ट में आपके साथ कुछ बुरा होता है। अगर आपके साथ थोड़ा सा भी कुछ होता है, उसको आप उसी से जोड़ देते हो। इसी तरह आपकी विश्वास और स्ट्रांग होता जाता है, लेकिन इस विश्वास को बदलने की क्षमता आपके अंदर है, क्योंकि आप जो मानते हो आपके बॉडी वैसे ही रिएक्ट करता है। इसलिए अगर आपको बिल्ली दिखती है तो इसे नॉर्मल समझे। बिल्ली एक जानवर है, वो कहीं भी दिख सकती है, इससे हमारा क्या लेना देना। आप जो करना चाहते हो उसके बारे में सोचिए, देखना आपके साथ अच्छा ही होगा। आत्म सुझाव से जिंदगी कैसे बदले? अगर आपको आत्म सुझाव से जिंदगी बदलनी है तो इसकी आपको लगातार कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी होगी। आप कैसा गाने सुनते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो और कैसे सोचते हो, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम दूसरों से तो ज्यादातर बात करते हैं, दूसरों की जिंदगी को समझने की प्रयास करते हैं, मगर खुद के साथ कभी टाइम नहीं बिताते। आपको खुद को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि मैं एक शक्तिशाली इंसान हूं,
मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मेरे साथ जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। जब आप इस प्रकार की बातें खुद को बताने लगते हो तो अवचेतन मस्तिष्क इसको आदत बना देता है और आप वैसा ही बन जाते हो। इसी तरह से आप खुद को सही आत्म सुझाव देकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इससे हम यही समझ सकते हैं कि हम हमारे भाग्य का निर्माता खुद ही हैं। दुनिया में इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ बुरा होते हैं क्योंकि वो खुद को नेगेटिव सुझाव देते हैं। आपको हमेशा खुद को सही आत्म सुझाव देना है। खुद को जैसा आत्म सुझाव देते हो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। और जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना है। नेगेटिव लोगों के सोच से हमेशा दूर रहिए। आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी।